Hey guys, कैसे हो आप सब लोग? Welcome back. सो गाइस, कल मम्मी का बर्थडे है तो उनके लिए सरप्राइज पे हम स्टेकेशन पे जा रहे हैं. कहाँ वो आपको टाइटल से पता चल चुका होगा. सो लेट्स गो. तो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं ली मेरिडियन. अब हम डोर में की स्वाइप कर लेते हैं. ग्रीन लाइट आ गई मतलब हमने सही से करा, नहीं आती तो मतलब कुछ गड़बड़ करी है. तो एक बार ना हम पहले रूम में आ गए थे इसलिए लाइट्स ऑन है. सबसे पहले तो ये फुल लेंथ का एक मिरर है, उसके बाद ये देख लो आप बेड वगैरह है. और पता है बेड के पीछे जो ब्लू कलर की लाइट है ना, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ना मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई. और उधर पड़ी है रेस्ट करने के लिए बढ़िया सी चेयर, और यहाँ पे काम करने के लिए बढ़िया सी चेयर टेबल जहाँ पे मैंने एक वीडियो भी एडिट करी थी. और फिर ये टीवी हो गया, इसके नीचे फ्रिज और मिनी बार वगैरह है. फिर मैं आपको वॉशरूम दिखा देती हूँ, ठीक है? तो पॉट वगैरह तो बंद ही है तो आपको देखने में ऐसे गंदा सा नहीं लगेगा. और यहाँ पे मिरर है अच्छा सा. और सबसे बढ़िया पार्ट इस रूम का, ये देखो बाथटब, जिसके लिए हमने ये रूम बुक करा था. रात को आपको दिखाऊंगी बाथटब में हमने क्या किया. अब मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ, लेकिन उससे पहले ये देखो, ये चेयर है ना जो बहुत ही कंफर्टेबल थी, दूर से दिख नहीं रही थी ना आपको. अब मैं व्यू दिखाती हूँ, लेकिन पता है दिन में ना व्यू अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं आपको रात वाला व्यू दिखाऊंगी. बहुत सुंदर लग रहा था. अब ये रहे मैं और मेरा भाई गद्दा टेस्ट करते हुए. पर्पल ब्यूटी सेल इज लाइव फ्रॉम 22nd टू 27th जून. गेट अ चांस टू विन एन आईफोन यूजिंग दिस कूपन कोड. आपको बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे बहुत अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे, जैसे वाओ के प्रोडक्ट्स पे 40% ऑफ चल रहा है एंड मेबलिन पे भी अप टू 40% ऑफ. सो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, एक्ने स्कार्स है, डलनेस है, इरिटेशन है सिक स्किन पे या हेयर में डैंड्रफ है, सो डू परचेज देम फ्रॉम पर्पल. सबसे पहले है ये ऑयल कंट्रोल सीरम, टी ट्री एंड पपाया ऑयल, विटामिन सी एंड B3 फेस सीरम, 24-कैरेट गोल्ड ऑयल, टी ट्री एसेंशियल ऑयल, चारकोल शीट मास्क एंड स्नो शीट मास्क विद राइस एक्सट्रैक्ट. एंड डोंट फॉरगेट, पर्पल की सेल सिर्फ 27 जून तक लाइव है. Use my coupon code I have written in the description as well. और इन सारे products का link भी मैं description box में डाल दूंगी. तो guys, अब हम ready हो गए हैं और अब हम party करने जा रहे हैं. So let's see you there. ये देखो lift से view ऐसा दिखता है, और ये reception है इनकी, और हमारा room भी 17th floor पे था तो view काफी अच्छा था. अब हम डिनर करने जा रहे हैं, देखना वो भी बड़ी अच्छी जगह थी. ये देखो कनॉट क्लब हाउस सीपी में है ये, तो ये दिल्ली की पहली जर्मन माइक्रो ब्रूरी है. अब मैं आपको ना अंदर से दिखा देती हूँ, इसकी एम्बियंस भी बड़ी अच्छी है. देखो देखो लेफ्ट में पहले उनका वो पूरा बार है, और ये देखो यहाँ पे फ्रेशली ब्रूड बियर बनती है. ओवरऑल एम्बियंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका, और म्यूज़िक भी अच्छा था, लाइट नॉर्मल म्यूज़िक था, गाने अच्छे चल रहे थे. फिर देखो ब्रूरी है ना, तो उन्होंने हमें बियर टेस्ट करवाई थी, जर्मन वीट, पिल्सनर, डार्क नाइट और लैगर बियर. निस्तुल को ना पिज्ज़ा बड़ा पसंद है, तो ये हर जगह पिज्ज़ा ही खाता है, और इनका पिज्ज़ा देखो है भी कितना कलरफुल. और निस्तुल ने खाया तो इसे बहुत टेस्टी लगा पिज्ज़ा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था. फिर हमने ना दही कबाब्स मंगवाए थे, तो वो ऐसे दिए उन्होंने ग्रीन चटनी, और नीचे पेरी पेरी सॉस भी थी. अंदर से देखो ऐसे दिखते हैं. फिर जब मैंने टेस्ट करा ना तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था. फिर मेन कोर्स में ना हमने मंगवा लिया बटर चिकन, शाही पनीर, लच्छा पराठा और मिर्ची पराठा. और ड्रिंक्स में हमने दो ब्लू लगून ले लिए थे और दो वर्जिन मोहितो ले लिए. और मेन कोर्स भी मैंने टेस्ट करा ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. सो दिस इज़ अ न्यूली ओपन ब्रूरी इन कनॉट प्लेस दिल्ली, तो आप यहाँ ज़रूर जाओ, आई हाईली रिकमेंड इट. इनका खाना भी बहुत अच्छा है और एम्बियंस भी बहुत अच्छी है, और इनका स्टाफ भी बहुत पोलाइट है. फिर 12 बजे मम्मी ने केक काटा और पापा ने मम्मी को रोज़ दिया. वैसे तो हमने साथ में हैप्पी बर्थडे वाला गाना भी चलाया था, लेकिन यहाँ पे डालती ना तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता. बर्थडे ख़त्म होने के बाद हमने उन रोज़ पेटल्स को बाथटब में डाल दिया और फिर इन्जॉय किया. फिर थोड़ी देर में सो गए. फिर सुबह उठे तो ये देखो ये यहाँ पे ब्रेकफास्ट होता है, बहुत सारी वैरायटी थी, आई मस्ट से बहुत ही अच्छा था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, वैरायटी भी बहुत अच्छी थी, और व्यू भी बहुत अच्छा था. ये देखो मैंने ये खाया था ब्रेकफास्ट में, कॉर्न्स, बीन्स,
ढोकला, थोड़े नट्स वगैरह, और चिकन सलामी, लेटिस और एक डोनट। सो दैट इज हाउ वी सेलिब्रेटेड मॉम्स बर्थडे. तो मम्मा आपको कैसा लगा? इट वॉज अमेजिंग. आई लव यू माई बेबी. थैंक यू फॉर लवली सरप्राइज. फिर हम घर आए तो मम्मी की फ्रेंड्स भी उनके लिए केक ले आई. फिर हमारे पास तीन तीन और चॉकलेट केक हो गए. मम्मी इतनी खुश थी और केक काटने की इतनी एक्साइटमेंट थी उन्हें कि वो कैंडल बुझाना ही भूल गई. फिर बस हमने पार्टी करी, सेलिब्रेट करा. व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और कॉमेंट कर दो. चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.